गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास प्लस वन यूनिट वन एक्सरसाइज 1.1 अगेन पढ़ने जा रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन नंबर थ्री के जो पहले तीन पार्ट्स थे वो पहले सॉल्व कर लिए हैं, अभी हम क्वेश्चन नंबर थ्री का फोर्थ पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर है, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो हमें ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो डिवाइजर रहे किसके, 60 के। तो हम सिंपल से प्राइम नंबर लिखेंगे, डी इक्वल्स टू, तो हमने राइट कर लिया 2, 3, 5। तो ये प्राइम नंबर थे जो डिवाइड करते हैं 60 को। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट है इसका, E इक्वल्स टू सॉरी E द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। हमें अब ट्रिग्नोमेट्री वर्ड लिखना है, हमने वर्ड लिखना है ट्रिग्नोमेट्री। जो भी अल्फाबेट्स होंगे वो हम वन वन टाइम लिखेंगे, TRIGONOMETRY। हमने क्या लिखा, TRIGONOMEY। R दो बार था, टू टाइम्स था, हमने सिर्फ एक बार लिखा। O भी टू टाइम था तो एक बार लिखा, T भी टू टाइम था तो T भी एक ही टाइम लिखा। तो हमारे पास अब इसी का लास्ट क्वेश्चन रहता है जो सिक्स्थ पार्ट है, F द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो हमें एक्स इक्वल्स टू ब्रैकेट लगाया, बी लिखा, ई लिखा, टी लिखा और आर। तो बेटर में बी एक बार, ई भी एक बार टू टाइम था तो एक बार लिखा, टी भी दो बार है तो एक बार लिखा, आर भी एक बार। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फोर रहता है वो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। किसमें लिखने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कोई भी क्वेश्चन होगा हमें वो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12। तो अब हम राइट करेंगे एक्स सच दैट एक्स, ब्रैकेट लेने लिखेंगे, एक्स इक्वल्स टू, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब थ्री एक बार आया, थ्री आया सॉरी, थ्री टू जार क्या होता है, सिक्स, थ्री थ्री जार नाइन, थ्री फोर जार ट्वेल्व। तो ये ऊपर वाला भी क्या आ सकता था, थ्री वन जार थ्री। तो हर बार सब में थ्री कॉमन आ रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, या वन टू थ्री फोर आ रहा, थ्री कॉमन आ रहा, थ्री लिखा, वन टू थ्री फोर को एन लिख दिया,
तो एन क्या होगा अब? एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया एन, तो हम राइट कर सकते हैं 3n। पर अब हमें कंडीशन क्या लगानी है, जो n के वैल्यूज हैं वो 1 से लेके सिर्फ कहां तक होने चाहिए, 4 तक। तो हम कंडीशन बनाएंगे अब कि 1 से बड़े होने चाहिए और साथ में 1 भी, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखा n। अब इसका मतलब क्या रहा कि इसमें n की वैल्यू 1 भी रहेगी और 1 से बड़े भी होने चाहिए और लेस देन 4। तो अब मीनिंग देख लेते हैं, इस ग्रेटर देन के साथ लाइन जैसा होता है इसको इक्वल्स टू बोलते हैं। तो इक्वल्स टू बोलने का मतलब 1 भी आ रहा है और n के वैल्यूज क्या आएंगे, पहले n के वैल्यूज 2, 3, ये वाले 4। अब जब इक्वल्स टू लगा तो इंक्लूड n की वैल्यू सारी की सारी हो जाएगी। अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी की सारी। हम राइट कर लेते हैं, फिर दोबारा डिस्कस करेंगे। एंड 1, ओके, वेयर एन बिलोंग कर रहा है कैपिटल एन। तो हमने पहले पढ़ा कैपिटल एन क्या होता है, नेचुरल नंबर्स क्या होता है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। दोबारा देख लेते हैं, हमें बनाना क्या था, 3, 6, 9, 12 को सेट बिल्डर की फॉर्म में राइट करना था। मैंने 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 लिखा। तो हमारे पास 3 सब में कॉमन था तो कॉमन लिख लिया, 1 2 3 4 को एन मान लिया। एन क्या था, नेचुरल नंबर। एन की जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास क्या रहेंगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो एन की वैल्यू है वो क्या है, 1 से लेके 4 तक है। अब मुझे ऐसी कंडीशन लगानी थी कि सिर्फ 4 तक ही आए और सिर्फ 1 तक, ना इसके प्रीवियस नंबर आए ना इसके फॉरवर्ड वाला कोई नंबर आए। तो हमने कंडीशन लगाई 1 लेस देन इक्वल्स टू एन, और एन के एन लेस देन इक्वल्स टू 4। बोलने का मतलब पहले 1 लिखा, एन के वैल्यू 1 से बड़े क्या है, 2 3, और 4 से छोटे 2 3 ही आता है। तो हमने इक्वल्स टू भी लगा लिया। अब इक्वल्स टू का मतलब 1 अब एन की वैल्यू है और 4 भी एन की वैल्यू है। अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि 4 से छोटा या बड़ा रहेगा। तो एन क्या होता है, नेचुरल नंबर, और बिलोंग्स टू जो उससे बिलोंग करें। तो ऐसा ही हमारे पास इसी का नेक्स्ट सेकंड पार्ट रहता है। सेकंड पार्ट है 2, 4, 8, 16, 32। अब हम दोबारा से देखेंगे, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 ही आएगा, या 2 को 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, दैट इज 8। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 आ गया। 32 के लिए कितने 2 लिखने पड़ेंगे, 4। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। फाइव टू आ गए। तो अब हम ऐसे इसका क्या आ गया, 2 रेस्ट पावर 1, इसको लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 2, 2 रेस्ट पावर 3, 2 रेस्ट पावर 4, यहां स्पेस नहीं था, 2 रेस्ट पावर 5। तो हमारे पास पावर्स आ गए सारे के सारे कॉमन। तो अब हम 2 रेस्ट पावर n राइट कर सकते हैं। n के वैल्यूज हैं हमारे पास 1 2 3 4 5। अभी हमने पढ़ा जो 1 2 3 4 5 है वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर। तो अब कंडीशन बनाना दोबारा से बहुत आसान है। 1 लिखो लेस देन इक्वल्स टू लगाओ, n लिखो लेस देन इक्वल्स टू लगाओ, 5 लिख दो, कंडीशन तैयार हो गई। अब हम रोस्टर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म राइट कर रहे हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 रेस्ट पावर n, और हमने जो कंडीशन बनाई वो क्या बनाई, 1
लेस देन इक्वल्स टू एन लेस देन इक्वल्स टू फाइव एंड वेयर एन की वैल्यू बिलोंग करती है कैपिटल एन को, जो एन है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ओके हमारे पास इसी के साथ नेक्स्ट थर्ड पार्ट रहता है इसका, तो 525, 125, 625। तो हम क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, लगता है सब लोगों को समझ आ गया। 5 तो 5 है तो दोबारा से क्या आएगा, 5 raised to power 1, 5 multiply 5 कितना होता है, 5 5 25, 5 5 3 बार लिखेंगे, 5 3 बार लिखा तो 5 raised to power 3 क्या होगा, 5 5 25 multiply 5 125। अगर 4 5 multiply करेंगे 5 raised to power 4 लिखेंगे तो n की वैल्यू आ गई 1 2 3 4। अब कंडीशन लिखनी है 1 is greater than equals to n एंड 1 simply up equals to 5। तो हम राइट कर लेते हैं x such that x equals to 5 raised to power n and n less than equals to n and greater than n and n belong करता है कैपिटल n। हम जैसे कैसे भी पढ़ सकते हैं ग्रेटर देन और लेस देन को, ठीक है, 1 less than n पढ़ो या n, सॉरी 1 greater than n पढ़ो या n लेस देन 1 पढ़ लो, एक ही बात है। तो इसको यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 1 किससे छोटा है, n से, तो 1 less than equals to n, n is greater than equals to 5। समझ में आ गया। तो हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट रहता है, फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 4 6। अब 2 4 6 है तो अब सिंपल सा दिख रहा है कि 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, तो अब सारे के सारे इवन नंबर ही चल रहे हैं। तो x such that x, x is an even natural numbers। ओके इसी का लास्ट पार्ट है 1 4 9 so on 100। तो इसमें क्या हो रहा है, अब 1 हमने 1 का स्केयर किया 1 आता है, 2 का स्केयर किया 4, 3 का स्केयर किया 9, अगर 10 का स्केयर करेंगे तो 100। तो अब हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं इसको इक्वल्स टू 10 का स्केयर, व्हाट n क्या रहेगा, कंडीशन क्या रहेगी इसकी, अब 1 भी आना चाहिए और क्या आना चाहिए साथ में 10 भी आना चाहिए, राइट कर लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या होते हैं, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को। तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया इससे।